अपने बाप को दफन करने के लिए ये शख्स पाकिस्तान नहीं आया, जनरल मुशर्रफ ने इसको इजाजत दी थी वापस आने की, चीकू वगैरह बनता है। झूठों का वर्ल्ड कप अगर कोई जीतता तो इस ट्वीट पे नवाज शरीफ जीतता। ये वो आदमी है कि जो दो मरतबा जनरल मुशर्रफ के दौर में पहली मरतबा चप्पल छोड़ करके पाकिस्तान से भागा, डॉक्यूमेंट साइन करके भागा, उसके बाद वालिद की तदफीन में शिरकत करने के लिए नहीं आया। मुशर्रफ साहब ने ही इसको प्रोविजन दी थी कि आना चाहो तो आ जाओ। दूसरी मरतबा जब भागा अपना एक्सरे दिखा करके इमरान खान के दौर में, जब मेडिकल एनआरओ लेकर के भागा, अपनी वालदा का ताबूत वहां से रवाना कर दिया, नौकरों से कह दिया कि दफना देना। ये अवामे पाकिस्तान का रोना रोता है, ये जल मुशर्रफ से कह रहा है झूठा, साबिक सदर से जाती दुश्मनी नहीं, कल मैं वाहिद की इज्जत आबरू की कसम, यह आदमी काबे की छत पे खड़ा होकर के हाथ में कुरान लेकर के ये कहे, समझ लेना झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है। जनरल मुशर्रफ से अगर इसको दुश्मनी नहीं है तो इसका मतलब है इसकी रूए जमीन पर किसी से दुश्मनी नहीं है, इसकी पाकिस्तान आर्मी से भी दुश्मनी है एन उस दिन से कि जिस दिन से ये बेरोजगार हुआ, इसकी जनरल मुशर्रफ से भी दुश्मनी है एन उस दिन से कि जब कू हुआ था। ये दुनिया का आखिरी झूठा है। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देते तो मैं बहुत सारी चीजें निकाल करके ला सकता था इसकी झूठ का सबूत देने के लिए कि यह कितना अनाद रखता है जनरल मुशर्रफ से। और यह हुब्बे अली में ट्वीट नहीं किया इसने, ये बहुत से मुआविया में हो रहा है सब कुछ, और इस ट्वीट की वजह बनाया आर्मी तर्जुमान का वो बयान जिसमें उन्होंने बाकायदा हिंट नहीं दिया, उन्होंने बता दिया है, उन्होंने कहा आर्मी लीडरशिप का मौकफ है परवेज मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। और यहां से पता चलता है आपको इन जमहूरी जुगाड़ियों का कैरेक्टरलेसनेस। ये दो नंबर, ये गेट नंबर 5 पे जाकर के बैठ के बूट पॉलिश करते हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलता है जाकर के चीहुएरा बनने की अदाकारी करते हैं, इसीलिए इनको जूते पड़ते हैं, इसीलिए इनको जूते पड़ते हैं। जनरल जीरानी की बारगाह में बैठ करके और ये वजीर आला पंजाब बना, इसकी औकात थी, ये वजीर आला का पीए बन सकता, ये मेरा पीए नहीं बन सकता, मैं खुदाए वाहिद की कसम खा करके कह रहा हूं। ये वाहिद दुनिया का प्राइम मिनिस्टर था, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर था इसकी जाती कुतुब खाने में सिर्फ एक टेलीफोन डायरेक्टरी थी, क्योंकि इसको पढ़ने लिखने से काम ही कोई नहीं है, नहारी खाना है, सिपाही खाने और चवले मारनी है।